أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی، اور اس آیت کے ذیل میں کہ یہ در حقیقت آیت انہی یہودیوں کا جو کے بارے میں جو چل رہا تھا بیان، کہ شروع میں قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کی خیانت، جو آیت نمبر 75 میں بیان ہوا کہ وہ کس نے قرآن توریت کی تحریف کرتے تھے. آیت نمبر 76, 75, 76, 77 یہ تین آیتیں ان لوگوں کے بارے میں بیان ہوئی کہ جو جس کا بیان تفصیل سے گزر گیا. آیت نمبر 78 میں اس زمانے کے ان یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جو ان توریت کی آیات کو سنتے تھے. خوب، یہ آیت ملاحظہ فرمائیں. آیت نمبر 78 کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ انہی یہودیوں میں سے بعض، ظاہری طور پر یہ آیت یہودی عوام کے بارے میں ہے. دیکھیں، یہودیوں کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک یہودی علماء تھے، یہودی علماء جو کتاب توریت پڑھ سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، قرأت کر سکتے تھے، سیکھ سکتے تھے، اور یعنی سیکھے ہوئے تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ علماء یہود. اور دوسرا گروہ یہودیوں کا یہودی عوام. تو اب یہ اوپر والی آیت سے اس کو منسلک کر سکتے ہیں، اور اوپر والی آیات سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ یہ افراد آتے تھے مومنین کے پاس اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، جبکہ جب تنہائی میں جاتے تھے تو ان کے جو بڑے تھے وہ ان کی مذمت کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ جس کی تفصیل گزر گئی. اب کہتے ہیں کہ انہی یہودیوں میں سے بعض جو ہیں وہ امید ہیں. امید کے اوپر ہم نے گزشتہ گفتگو میں تفصیل سے بحث کی، اور امید کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، کہ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ امی ہے. اور اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لقب استعمال ہوا تو کس معنی میں استعمال ہوا، یہ انشاءاللہ
जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। एक नुक्ता तवज्जो करें यहाँ पर कि वमिनुम उम्मीयूना ला यालमून अल किताबा। अब यहाँ पर आया उम्मी का मतलब वो है कि जिसको पढ़ना ना आता हो, ये मतलब है, तो ला यालमून अल किताबा ताकीद बन जाएगा, ताकीद बन जाएगा। लेकिन अगर उम्मी का मतलब, अब देखिए यहाँ पर आपकी खिदमत में एक नुक्ता अर्ज करें कि अरबी जबान में ऐसा बहुत होता है कि एक लफ्ज़ के चंद माना होते हैं, चंद माना होते हैं, एक से ज़्यादा उसके मीनिंग्स होते हैं। ये अरबी जबान में जो है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा होता है। तो आया इसी तरह उम्मी के मुतअद्दिद माना हैं या ये कि एक माना है, इस पर अगरचे मुफस्सिरीन ने बाज़ ने मुतअद्दिद माना बयान किए, बाज़ ने इसको एक ही माना बयान किया, और उस माने की वजह क्या है, उस उन वजूहात में दो या तीन एहतमालात बयान किए। यानी लफ्ज़ उम्मी, बहस उम्मी एक अहम बहस है, इंशाल्लाह इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे किसी मौके पर, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब भी उम्मी है। यानी कुरान ने उम्मी ताबीर किया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के लिए, लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट बहस है उम्मी के ऊपर, कि वो इंशाल्लाह अपने मौके पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो अगर उम्मी का मतलब ये है कि जिस तरह अक्सर मुफस्सिरीन ने बयान किया कि जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, तो ला यालमून अल किताब उसके लिए ताकीद बन जाएगा। अगर उम्मी का अपना कोई और माना है, अच्छा अरबी में जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात मुतअद्दिद माना होते हैं, यानी एक से ज़्यादा माना होते हैं, अगर उम्मी के लिए भी अगर यही अगर एहतमाल है कि उम्मी के चंद माना हैं, तो इस सूरत में ला यालमून अल किताब उस माना को मुय्यन कर रहा है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको कि ऐन ऐन ये नून, लफ्ज़ ऐन जो है वो कहा जाता है कि 70 माना है इसे, इसके 70 माना है, यानी मुतअद्दिद माना है इसके, एक लफ्ज़ और मुतअद्दिद माना है। जैसे सोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सोना या गोल्ड, सिल्वर चांदी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जासूस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कनीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुतअद्दिद मानों के लिए लफ्ज़ ऐन आता है। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मैंने ऐन देखा, और उसके बाद कहे कि वो बहुत ही गोल्डन रंग का था और चमकता हुआ था, तो ये उसकी मुय्यन कर रहा है कि यहाँ पर ऐन से मुराद सोना मुराद है। यहाँ पर भी इसी तरीके से अगर उम्मी के अगर मुतअद्दिद माना है, तो ला यालमून अल किताब ये मुय्यन कर रहा है कि उम्मी के कौन सा माना है, यानी वो माना कि जो उम्मी यानी जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, कि इंशाल्लाह इस उम्मी के ऊपर तफसील से इंशाल्लाह किसी मौके पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर तो वाज़ह है कि उम्मी से मुराद क्या है, कि जिनकी खसूसियत, जिनकी सिफत
ये है कि वो ला यालमून अल किताब, यानि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लिहाजा जिस तरह हमारी एक आम आवाम होती है कि आवाम क्या है, आवाम वो है कि जिसको उलमा जो बयान कर दें वही उनके लिए दीन बन जाता है। यह बाकी मुसलमान फ़िरक़ों में, बल्कि हर फ़िरक़े में इसी तरीके से होते हैं होता है कि आवाम का रोल तकलीदी रोल होता है, तकलीद होता है, मुकल्लिद होते हैं। यहाँ पर मैं वो वाली तकलीद में, अगरचे वो भी इसी माना में है जो मिसकी मर्जी और मुश्तरी की तकलीद की जाती है, लेकिन जो आवाम होती है वो क्योंकि अपनी दुनियावी मसरूफियात में की बिना पर वो उसको ख़ास स्पेशल टाइम नहीं दे सकते हैं दीन को, लिहाजा उनका रोल एक मुकल्लिद वाला रोल होता है, तकलीदी रोल होता है। और हर कौम में, हर उम्मत में इसी तरह होता है, आम मुसलमानों में भी इसी तरीके से है, शियों में भी इसी तरीके से है। अब आया ये दुरुस्त रोल है या दुरुस्त रोल नहीं है, ये इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में रिवायत जो मंसूब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, वो इंशाल्लाह मुफस्सलन उसको पढ़ेंगे। और बड़ी अहम रिवायत है, बड़ी अहम रिवायत है हमारी जिम्मेदारी के तायुन के अतबार से। और इस आयत की रोशनी में ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया, इसी आयत की रोशनी में, इसी आयत की तफसीर में बयान किया कि वो इंशाल्लाह हम, अगरचे बहुत ही मुफस्सल और तफसीली, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर भी कुरान यहूदी अवाम के बारे में कहते हैं कि इन्हीं यहूदियों में से बाज़ वो थे कि जो उम्मी थे, ला यालमून अल किताबा, जो किताब पढ़ना नहीं जानते थे। किताब यहाँ पर अल किताब से मुराद किताब तौरात मुराद है, किताब तौरात नहीं पढ़ना चाहते थे। इल्ला अमानी, अब यहाँ पर जो वो एक बहुत ही गुफ्तगू है पेचीदा के वो लोग तौरात में से कुछ भी नहीं जानते थे मगर सिवाय अमानी के। अब अमानी क्या है, अमानी क्या है? अब यहाँ पर आपकी खिदमत में मुफस्सिरीन ने तकरीबन अक्सर मुफस्सिरीन ने अमानी के तीन माना बयान किए हैं, अमानी के तीन माना बयान किए हैं कि ये अमानी के तीन माना हैं। अल्लामा तबरसी ने भी बयान किए हैं और बाकी उलमा अहले सुन्नत ने भी इसको बयान किया है और अक्सर मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया। और ज़ाहिरन हमने बाज़ लुगात देखी थी तो लुगत में भी ये माना बयान किए गए हैं। खूब, अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि देखें कि कौन सा अमानी का माना यहाँ पर फिट होता है, आया तीनों के तीनों मानी फिट होते हैं या कोई एक या दो माना जो कोई यहाँ पर फिट होते हैं। अच्छा, ये पर यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में बयान कर दें लुगत के हवाले से। बाज़ अच्छा लुगत जो है अरबी लुगत के बारे में जो जिसको फोकहा ने भी बयान किया है, देखिए फोकहा जो हमारे हैं ये मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनका काम जो है वो इंतहाई दकीक और दलीलों के मुताबिक हुआ करता है। तफसीर में आपने मुलाहिजा फरमाया कि बहुत सारे इस्तेहसानात होते हैं। इस्तेहसानात किसे कहते हैं? इस्तेहसानात कहते हैं तखमीना, अंदाजा गिरी। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि हमारे पास जो हुज्जत है वो जुहूर कुरान है,
कुरान का जहूर क्या निकल रहा है। मुजतहिद की सारी जिंदगी कुरान और हदीस के जहूर में निकलती है और वही हमारे लिए हुज्जत है। मिसाल दूं मैं आपको कि इंसान को बयान किया कि इंसान जो वो जुहूलन जुलूमा हुआ करता है, जाहिल और जालिम हुआ करता है। अब मुमकिन है बाज इरफानी अफराद जुहूलन का माना करें, वो शख्स जो अपने नफ्स पर जुलूमन का माना करें, जुल्म से निकला है जुलूमन, के जुल्म का माना करें कि जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला हो। खूब इत्तेफाक से आगे खुई ने भी इसको बयान किया और हमारे बाज़ असातीद ने भी इस नुक्ते को बयान किया। क्या कोई ने तो बाकायदा इसको अपने खारिज में इस नुक्ते को बयान किया कि जुल्म जुल्म किसको कहते हैं, जब आप किसी से कहें कि मैंने जुल्म किया तो फौरन सामने सवाल करने वाला क्या सवाल करेगा, अरे किस पर जुल्म किया आपने, क्या जुल्म किया आपने। तो जुल्म जो है वो जुहूर रखता है किस चीज़ में, कि किसी के ऊपर किसी के हक तलफी करना, किसी के हक को पामाल करना, मार कर माल गस्प करके या किसी भी हक के ज़रिए से उसके हक को अदा ना करना, ये जुल्म है। लिहाजा जुल्म का माना ये करना कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब ये खिलाफ जाहिर है। लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि इस्तेमाल होना दलील नहीं है कि ये लफ्ज़ इस माना में यही इसका माना है। इस्तेमाल होता है जुल्म नफ्स के ऊपर हो, ज़लम तो नफ्सी, या कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर कि वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं, इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस्तेमाल दलील नहीं है कि ये उसका माना है। अब ये गुफ्तगू जो मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ ये तफसीर के बुनियाद और असास, बल्कि तफसीर नहीं, हर रिवायत और आयत और इज्तिहाद के लिए ये बुनियादी बातें हैं, कलीदी बातें, की पॉइंट्स हैं। पर तवज्जो फरमाएं कि इस्तेमाल जो है वो दलील नहीं है कि ये इसकी माना है, ये इसकी मीनिंग है, बल्कि मजाजन इस्तेमाल होता है, कसरत के साथ हमारी ज़बानों में भी इस्तेमाल होता है। लिहाजा जो आयत में आया कि जहूलन व जुलूमन, यहाँ पे जुल्म का माना करना कि अपने नफ्स पर जुल्म करना, ये फकीह इसको कबूल नहीं करेगा, कहेगा ये खिलाफ जाहिर है। जाहिर जुल्म का क्या है, यानी किसी के हक को पामाल करना। बस इस बिना पर जो है वो ये बात याद रखें कि इस्तेमाल कभी भी दलील नहीं है इस बात की कि ये लफ्ज इस माना में इस्तेमाल हुआ है। मसलन दुआए कुमेल में या कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, मसलन जलम तो नफसी, तो जुल्म इस्तेमाल हुआ अपने गुनाह के लिए इस्तेमाल हुआ कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तो यहाँ पर ये मजाजन इस्तेमाल हुआ है, सही है ना, ये हकीकतन इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अच्छा, जो मैं नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि फुकहा ने इसको अपने गुफ्तगू में इसको बयान किया है कि लुगवी किसको कहते हैं, जो अहले लुगत होते हैं, लुगवी यानी जो लुगत लिखने वाला है, जो लुगत जानने वाला है, यानी वो डिक्शनरी लिखने वाला,
तो लुगवी का कौल या लुगवी अपनी लुगत में जो अल्फाज के मीनिंग्स लिख रहा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये उसकी मीनिंग्स को लिख रहा हो बल्कि उसके इस्तेमालात को लिख रहा होता है अक्सर औकात, कभी कभार नहीं, अक्सर औकात। इस्तेमालात दलीली मीनिंग होने का, खूब तवज्जो कीजिएगा इस नुक्ते को, इस्तेमाल अभी आपकी खिदमत में बयान किया कि इस्तेमाल दलीली मीनिंग है इसके, लिहाजा लुगवी जो होता है अपनी लुगत में इस्तेमालात को लिखता है। और अल्लामा तबरसी ने भी इस्तेमालात को बयान किया, और उन्होंने बयान किया मसलन कई मकामात पर, क्या बयान किया कि तवज्जो करें इस तरीके से कि मिसाल के तौर लफ्ज अमानी इस माना में है जैसे शायर ने यहां पर इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल तो दलील नहीं है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी लफ्ज के असली माना को समझने के एतबार से। लिहाजा सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि आप किस पर बेस करेंगे, आपकी सारी बेस डिक्शनरी पर होती है, खुद जो साहिब डिक्शनरी है वो उसके मीनिंग नहीं बयान कर रहा होता, वो उसके इस्तेमालात बयान कर रहा होता है। लिहाजा फकीह जो मकाम इस्तेदलाल में होता है, जिसको हलाल व हराम का हुक्म खुदा निकालना होता है, वो यहाँ पर जो है वो उसको अब सारे इस्तेमालात को लेकर आता है, अक़वाल उलमा को लेकर आता है, शिया सुन्नी उलमा के अक़वाल को लेकर आएगा। क्यों? ताकि किसी तरीके से ये यकीन हासिल कर सके कि इस लफ्ज़ का असली ओरिजिनल माना क्या है। खूब तवज्जो किया ना आपने, बस फकत ये लफ्ज़ इस डिक्शनरी में ये माना आया है, ये दलील नहीं है कि इस लफ्ज़ का ये माना है, मुमकिन है ये फकत इस्तेमाल हुआ हो उस माना में मजाजन। जैसे मैंने जुल्म की मिसाल दी कि यहाँ पर आकर आप आयत का जो वो तर्जुमा करें और कोई दलील ना हो, हाँ बाज़ औक़ात मुमकिन दलील हो, जैसे यज़लिमूना अनफुसहुम, खुद अनफुसहुम लेकर आना दलील है कि यहाँ पर जुल्म मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ला यनालो अहद ज़ालिमीन सूरह बकरा की जो आयत है कि जब हज़रत इब्राहिम अला नबीना व अली अलैहिस्सलाम को खुदा ने मुताल ने कहा कि ये मकाम इमामत में ज़ालिमीन को नहीं दूंगा, तो ये जालिम से मुराद जालिम बिन नफ्स मुराद है या जो उर्फ में जुल्म का माना समझा जाता है, सही ना, कि फुकहा कहते हैं कि उर्फ में जो समझा जाएगा वो लेंगे, न कि जो जो जालिम बिन नफ्स है। दिक्कत फरमाई आपने? लिहाजा ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन मसला है, ये जहां पर भी एक लफ्ज इस तरीके से, खूब आप जैसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो इंसान को उसका मतलब पता होता है, उसका मतलब पता होता है, वहां पर प्रॉब्लम ईजाद और क्रिएट नहीं होती है। प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है? जहां पर एक लफ्ज के लिए मुख्तलिफ माना डिक्शनरी ने बयान किए हो, तो अब ये समझ में नहीं आता कि इसका ओरिजिन माना क्या है, असल माना क्या है। यही चीज उम्मी में भी है, यही चीज अमानी में भी है। इसी आयत में दो ही लफ्ज आ गए दोनों। अब जैसे ला यालमूना, अब ला यालमूना में कोई मुतअद्दिद माना नहीं है, मालूम है इल्म, वो लोग नहीं जानते थे, इल्म के मानों में वो लोग, उन लोगों को इल्म नहीं था किताब का। अब यहां पर इल्म के मुतअद्दिद माना नहीं है, कोई डाउट नहीं है, किताब का डाउट नहीं है। इसी तरीके से वह इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, कि इसको आगे जाके बयान करेंगे यज़ुन्नून, खूब इसमें भी कोई डाउट नहीं है जन के माना में। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जहां पर जो है वो एक लफ्ज के मुख्तलिफ इस्तेमालात अरब अफराद करते हों और अहल लुगत ने भी एक लफ्ज के मुतअद्दिद इस्तेमालात को बयान किए हों कि ये लफ्ज यहां पर भी इस्तेमाल होता है, या इस तरह भी इस्तेमाल होता है, इस तरह भी इस्तेमाल होता है, इस तरह भी इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल जो वो प्रॉब्लम ईजाद हो जाती है और एक्चुअल माना जो कि उसमें से ढूंढना जो कि वो बहुत दुश्वार हो जाता है। और मुफस्सरी तवज्जो करें, खुलासा बयान करूं, मुफस्सरीन को उठा लें या अहले लुगत को उठा लें, कोई भी मुफस्सिर हो, हत्ता अल्लामा तबरसी के जो शिया मुफस्सिर हैं इनको देख लें या शिया लुगत को देख लें, जैसे मजमूल बहरैन शिया लुगत है, मजमूल बहरैन शिया लुगत है, तो चाहे शिया मुफस्सिर हो, चाहे शिया अहले लुगत हो,
या अहले सुन्नत के अहले लुगत के जो अक्सर हैं, या अहले सुन्नत के मुफसरीन के जो शियों की निस्बत अक्सर हैं, इन चारों को जमा कर लें, तो इन चारों ने जो काम किया है वो क्या काम किया है कि ये लफ्ज इस माना में भी इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज इस माना में भी इस्तेमाल होता है, इस लफ्ज ये लफ्ज इस माना में भी इस्तेमाल होता है। खूब, जब इस माना में इस्तेमाल होता है तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि आपको एक्चुअल माना नहीं पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा ये लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जुल्म का माना क्या है, यानी किसी भी इंसान के हक को पामाल करना, ये जुल्म है। लेकिन इस्तेमाल हुआ है दुआ कोमल में जलम तो नफसी, इस माना से हटकर, अगरचे करीब करीब माना है कि मैंने अपने नफ्स के हक को पामाल किया। इस्तेमाल ऐसा नहीं है इस्तेमाल के ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाए, बल्कि उसके करीब माना में फिर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल दूं कि लफ्ज असद, अलिफ सीन दाल असद, शेर को कहते हैं अरबी जबान में, लायन, शेर को कहते हैं असद। लेकिन जो है वो अरबी ही जबान में असद को इस्तेमाल किया जाता है बहादुर इंसान के लिए, जैसे अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह को असदुल्लाह, हजरत हमजा सलामुल्लाह अलैह को असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। तो यहां पर ये इस्तेमाल हुआ है हजरत हमजा अलैहिस्सलाम के लिए, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के लिए इस्तेमाल है, ये उसका माना हकीकी। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक असद का माना हकीकी नहीं है, हजरत हमजा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक असद का माना हकीकी नहीं है, बल्कि माना हकीकी क्या है, वो शेर जिसके पंजे होते हैं, जिसके बाल होते हैं, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, जो जानवर होता है वो है। बस माना होना अलग चीज़ है, इस्तेमाल होना अलग चीज़ है। लिहाजा हमारे लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि चाहे शिया अहले लुगत हो मजमुल बहरैन, चाहे अहले सुन्नत का अहले लुगत हो, बाकी सारे लुगत लिसानुल अरब हो, मिसबा हो, नहाया हो, बहुत सारी अहले सुन्नत की लुगत है, या अल ऐन वगैरह, ये सारी लुगत जो भी लुगत है, या हत्ता मुफस्सिरीन जब किसी लफ्ज़ का माना करते हैं तो वो माना में उस मान एक लफ्ज़ का माना बयान करने में कहते हैं कि ये इन 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 मानों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ये भी माना में इस्तेमाल हुआ है, ये भी इस्तेमाल हुआ है, तो वो इन इस्तेमाल को बयान कर रहे होते हैं दर हकीकत। लिहाजा इससे जो कि आप माना हकीकी माना जो वो नहीं निकाल सकते हैं। तो जो फरमाया आपने, बस यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, लफ्ज उम्मी में भी और लफ्ज अमानी में भी ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। खूब, अब यहाँ पर तवज्जो करें कि अमानी के मुख्तलिफ, अच्छा आम तौर पर ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मानों में ये आया है, ये इस तरह कहना दुरुस्त नहीं है, ये बल्कि मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है, ये सही ना, ये दकीक इबारत है। खूब, यहाँ पर अमानी के लिए जो, अब मैं भी जाहिर मजाजन यही कहूँगा, मैं भी मजाजन यही कहूँगा, लेकिन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि ये ताबीर दकीक ताबीर नहीं है, एक्यूरेट ताबीर नहीं है, कि आप ये कहें कि अमानी, जैसे फ़ख्र राजी ने ये कहा कि अमानी के लिए मुख्तलिफ माना आए हैं, वलहा मान मुश्तरक दिन फिर असिन वाहिद, अगर कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नुक्ता बयान किया कि मुख्तलिफ माना में आए लेकिन सब एक अच्छा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है, तवज्जो कीजिएगा, ये नुक्ता भी तवज्जो कीजिएगा, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि इन सब के रूट मीनिंग एक होते हैं, सबके रूट मीनिंग एक होते हैं, यानी जैसे मैंने जुल्म की मिसाल दी, अगरचे जुल्म में एक माना है हकीकी, एक माना मजाजी है, लेकिन दोनों इस चीज में सिमिलर है, क्या कि किसी के हक को पामाल करना, सही ना, किसी के हक को पामाल करना, तो ये हक पामाल अब चाहे गैर का हो चाहे अपने नफ्स का हो,
اگرچہ معنی حقیقی وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن جب، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کسی لفظ کو کسی معنی میں مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو مجازی اور حقیقی معنی کے اندر کوئی سملر اور ایک شباہت ہوتی ہے. جیسے اسد کو استعمال کرنا ایک بہادر انسان کے لیے، تو چونکہ جو حیوان ہے اسد، لائن، شیر، چونکہ اس کی طرح بہادری میں سملر ہے، یہ شباہت ہے، صحیح نا؟ تو یہاں پر بھی جو فخر رازی نے ایک جملہ لفظ استعمال کیا کہ اس کے مختلف معنی ہیں جو ایک معنی میں سارے کے سارے سملر ہیں. اچھا ممکن ہے ہم فخر رازی پر یہ اشکال کریں کہ ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے معنی ہوں، اس کے اوریجنل معنی ہوں. جیسے ظلم اور اسد کی میں نے مثال دی کہ سملر ہیں حقیقی معنی اور مجازی معنی، لیکن معنی ایک ہے. اسد کا معنی کیا ہے؟ وہ حیوان، درندہ. ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی کے حق کو پامال کرنا، یہ اس کا اصلی معنی ہے. خیر، اب توجہ کریں، امانی کے لیے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ کہ جس کو انسان خیالات خیال کرتا ہے، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آرزوئیں. تمنائیں کرنا کہ کاش یہ مل جائے، کاش یہ مل جائے. اردو میں بھی ہم امانی، دیکھیں امانی وہی الفاظ ہیں، توجہ کیا آپ نے، امانی وہی الفاظ ہیں. تمنی کے لیے اردو عربی میں کہتے تمنی، ہم اردو میں کہتے تمنائیں کرنا. تو ایک معنی کیا ہے کہ جس کو انسان تمنائیں کیا ہوتی ہے در حقیقت؟ انسان کے خیالات ہوتے ہیں. انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا بڑا گھر ہو، یہ گاڑی ہو، ایسا ہو، ایسا ہو. تو یہ سارے انسان کے خیالات ہیں. خیالات دقیق عبارت میں خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتے. خیالات فقط ایک خیالی پلاؤ، جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، خیالی پلاؤ، وہ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ظاہراً عورت کا جو، یا مرد دودھ لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ جو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، اس کے بعد مثال کے طور پر جو کہ وہ میرا کاروبار بڑھے گا، پھر میں گائیں خریدوں گا، میں یوں کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور پتھر سے ٹکراتا اور اس کو وہ دودھ گر جاتا ہے. تو وہ در حقیقت وہ خیالات ہیں. خیالات عام طور پر خیالی پلاؤ، انسان بھوکے انسان کیا کرتا ہے؟ خیالی پلاؤ کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتا ہے، خیالات کی پلاؤ کی پلیٹ جو اپنے خیال رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے. تو در حقیقت تمنا کیا ہے؟ ما تخیلہ الانسان، انسان جس کو خیال میں لے کر آتا ہے، جس کی واقعیت نہیں ہوتی ہے، صحیح نا، اور پھر اس کو تصور میں لے کر آتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا. یہ ایک معنی امانی کا بیان کیا. جیسے قرآن نے سورہ نساء میں آیت نمبر 120، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. دیکھیں وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، کیا لفظ استعمال؟ یمنیہم. اگر آپ کے پاس قرآن موجود ہو تو دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 120، اس میں بھی لفظ آیا یمنی، کہ شیطان کیا کرتا ہے انسانوں کو؟ وعدے دلاتا ہے. ویمنیہم، ان کو ایک چیز جو ہے وہ تصویر بنا کر دیتا ہے، ہے نا، کہ مثال کے طور پر جو وہ تم یہ کر، جیسے شیطان نے حضرت آدم کے ساتھ کیا کیا تھا، شیطان نے حضرت آدم کے ساتھ کیا کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ گندم کھا لیا، اس پیڑ میں سے کھا لیا، تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ خیالی پلاؤ دکھایا. تو جو کہ آپ نے وہاں اگرچہ لفظ یومنی، تمنا اور امانی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیشہ بری چیز کو اچھی چیز پیش کرتا ہے، اچھے تصور، اچھی تصویر لے کر آتا ہے. جیسے خود سورہ نساء میں اسی ورڈ کو استعمال کیا ہے،
अमानी वाले लफ्ज को इस्तेमाल किया युमन्नीहिम के जरिए से, सूरह निसा की आयत नंबर 120, कि शैतान तुमसे वादा करता है और तुम्हें दर हकीकत जो वो एक अच्छी तस्वीर बनाकर तुम्हारे ख्यालात को बनाता है, वो अच्छे ख्यालात। हमेशा तमन्ना इंसान अच्छी चीज की करता है, कभी बुरी चीज की तमन्ना नहीं करता है, सही ना। और फिर कुरान कहता है वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और ये शैतान का वादा नहीं है मगर सिर्फ धोखा है। और ये याद रखिएगा, शैतान कभी भी हमसे कोई बुरा काम नहीं करवाता है, इंसान खुद है होता है कि जो बुरा काम करता है। शैतान फकत और फकत हमारे सामने एक बुरी चीज को अच्छी तस्वीर पेश करके दिखाता है। तवज्जो फरमा आपने, बस ये एक अमानी का माना हो गया, अब जो भी इसको इसको ताबीर करें। दूसरा माना क्या है अमानी का, बनाए हुए झूठ या मुख्तलिफ झूठ, ये भी अमानी के माना बयान किए गए। अब देखें दोनों में सिमिलर कितना है, तमन्नाएं भी झूठी हुआ करती है, तमन्नाएं भी क्या होती है झूठी हुआ करती है। यानी इंसान अगर अपनी हकीकत को देखिए, प्लान करना कोशिश करना एक चीज के लिए वो एक अलग चीज है, उसमें भी मुमकिन है तमन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हो, सही ना। लेकिन अभी हम ये इस खास पर्टिकुलर माना में इस्तेमाल कर रहे हैं कि आम जो तमन्नाएं होती है, या यूं कहें कि अरबी में लफ्ज तमन्ना है इसी माना के लिए, जो झूठी तमन्नाएं हो। अब उर्दू में ये इस्तेमाल होता हो या ना होता हो, अब ये अभी फिलहाल हमारी गुफ्तगू उर्दू में नहीं है। दूसरा माना क्या है अमानी का, कि मुख्तलिफ झूठ, मुख्तलिफ झूठ। और पहला वाला माना और दूसरे वाले माना में कितना सिमिलर है, क्योंकि जो शैतान उन इंसानों को जो वसवसे डलवाता है और बुरी चीज को अच्छी चीज पेश करता है उसको, और जिसको इंसान तमन्ना करता है, जो इंसान अपने ख्यालात में लेकर आता है, चाहे वो शैतान के दिखाने की वजह से या खुद इंसान ही, चाहे हराम चीज हो और शैतान के बहकावे में हो या दुनियावी चीजें हो, तो उसमें भी एक झूठ होता है। दूसरा वाला माना भी उसमें भी एक झूठ है, उसमें भी एक झूठ, यानी वो तो है ही झूठ। कि अमानी का दूसरा माना क्या है, झूठ, झूठ। और तीसरा माना क्या है, तीसरा माना का जो वो इसके साथ जो वो झूठ के साथ साजगार नहीं है। तीसरा जो माना अमानी का बयान किया गया वो है वो चीज जो उन पर पढ़ी गई हो, तिलावत की गई हो, करात के मानों में है, तिलावत के मानों में है। ये तीन माना वादे हो गए, तीन माना। पहला माना इंसान की तमन्नाएं, दूसरा माना मुख्तलिफ झूठ, और तीसरा माना तिलावत। हो अब यहां पर कहते हैं कि कौन सा माना जो को यहां पर दुरुस्त है। हो बज़ाहिर अभी मैंने कहा कि ये मजीद रिसर्च की जरूरत है कि लफ्ज अमानी जो है वो दर असल में किस माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आया हर तिलावत के लिए, अब ये मैं एक दोबारा से पिछले वाली नुक्ते की तरफ चला गया, हर तिलावत को अमानी कहते हैं या जो चीज गलत तिलावत की गई हो, झूठी तिलावत की गई हो, उसके लिए अमानी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब ये देखना पड़ेगा, अगर झूठी तिलावत के लिए तो तीनों के तीनों जो एक ही माना में इस्तेमाल हो जाएंगे, एक ही मानों में इस्तेमाल हो जाएंगे। और यहां पर तीनों माने जो कि वो तीनों अल्फाज जो वो फिट होते हैं। देखिए आइए आयत पे, आयत पे आइए, आयत क्या है, वमिनहुम उम्मीयून, कि इन यहूदियों में से बाज उम्मी है कि ला यालमून अल किताबा, जो किताब को नहीं जानते हैं, इल्ला अमानी, मगर क्या, मगर उनकी फकत आरजुएं हैं, उनकी फकत तखयुलात है, उनकी फकत एस्टिमेशंस हैं, कि ये एस्टिमेट किया हुआ उन्होंने, जैसे जिसके लिए कुरान की आयात भी बयान की जाती है। जैसे मसलन यहूदी क्या कहा करते थे, ये अक्सर मुफस्सिरीन ने इन आयात को बयान किया कि यहूदियों की तमन्नाएं बताते हैं,
तमन्नाएं यहूदियों की, मिसाल के तौर पर जो सूरह बकरा की 51 आयत, वकालु लन यदखुलुल जन्ना इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिलका अमानीयुहुम, कि वो यहूदी क्या कहते थे, यहूदी कहते थे कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा, या यहूदी जाएंगे या ईसाई जाएंगे। कुरान कहता है तिलका अमानीयुहुम, ये उनकी फकत तमन्नाएं हैं, फकत ये फकत उनकी क्या है, तमन्नाएं हैं। कुरान तिलका अमानीयुहुम कहकर उनकी इस खाम ख्याली को रद्द कर रही है, डिनाई कर रही है आयत। या सूरह निसा की आयत नंबर 123, या इन सब जगहों पर जो वो मिसाल के तौर पर जो वो इसमें भी लफ्ज अमानी इस्तेमाल हुआ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 111 में भी अमानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इन्होंने एक ही जगह पर शायद उसी का एंड है, दोनों एक ही आयत है, वो तिल का अमानी हूँ कुल हाथ बुरहान को। ये जो वो अहले अपना यहूदियों के कुछ तमन्नाएं थी, ये एक और तमन्ना जो तमन्ना देखें, एक और यहूदियों की तमन्ना क्या है कि मसलन ये खुदे इसके बाद वाली आयत, लन तमस्सनन नार इल्ला अय्याम मादूदा, कि जहन्नुम तो हमें नहीं, हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे सिवाय चंद दिनों के, ये उनकी तमन्ना थी। तो ये यहूदियों ने जो कि वो कुरान जो वो यहूदियों की बहुत सारी तमन्नाओं को बयान किया है। तो यहाँ पर अगर हम तमन्ना का अमानी का माना तमन्ना का करें, तो नतीजा क्या निकलेगा कुरान की आयत का, नतीजा यूँ निकलेगा कि इन्हीं यहूदियों में से बाद यहूदी वो थे जो कुरान की आयत में से कुछ नहीं जानते थे, मगर कुछ तमन्नाएं थी उनकी। बस क्या थी तमन्नाएं, मसलन जो है वो हम जन्नत तो हमारी है, हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, और हम ही हक पर है, बाकी सब के सब बातिल है, और जो बाकी तमन्नाएं यहूदियों की कुरान ने बयान की, सही है ना। ये पहले वाले माना के हिसाब से। अब दूसरे वाला माना, उसके हिसाब से माना क्या बन जाएगा कुरान की आयत का, कि इन्हीं यहूदियों में से बात थे कि ला यालमुन अल किताब इल्ला अमानी, कि यहूदियों किताब यहूदी किताब में से कुछ नहीं जानते थे, मगर वो झूठी बातें जो उनके बड़ों ने इनको पढ़ाई थी। मसलन क्या, कि रसूल, क्योंकि इसका जो शान नुज़ूल है वो यही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ इनके बड़े यहूदियों ने गलत इनको बताए थे। मसलन क्या, कि रसूल का लंबा कद होगा, एक हुलिया बयान किया है कि मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंबा कद होगा, और उनके यही औसाफ होंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, मुंतबिक नहीं होते थे, उनके ऊपर नहीं बैठते थे ये औसाफ। या मसलन ये बताते थे कि तौरात में ये कहा गया है कि 500 साल के बाद रसूल आएगा, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदियों के जमाने में उस जमाने में थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको जो कब बेचारे जो अवाम यहूदी थी, अब ये बिचारी नहीं है, हाँ ये बिचारी नहीं है। इसका जवाब अगली दफ़ा इंशाल्लाह रिवायत की रोशनी में आपकी खिदमत बयान करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही बयान करें कि वो बिचारी अवाम अब क्या कर दी कि उनके बड़ों ने उनको ये कहा कि 500 साल के बाद आएंगे, तौरात में ये लिखा है। वो बिचारे, अभी बिचारे मनफी मानों में कह रहा हूँ, ये बिचारे जो वो उनकी बात पर, तो ये अमानी यानी वो झूठी बातें जो उनके बड़ों ने, बस वो किताब खुदा से कुछ नहीं जानते थे, मगर वो झूठ, अमानी का माना क्या हो जाएगा, वो झूठी अखबार, वो झूठी बातें जो यहूदी उलमा ने उनको पढ़ाई थी। और तीसरा माना क्या हो जाएगा कि वो जो है वो, अब तीसरा माना सही नहीं है, ये तीसरा माना सही नहीं है। क्या मतलब है अमानी का, दो माना किए जा सकते, एक माना सही हो जाएगा, एक माना सही नहीं होगा। ला यालमुन अल किताब इल्ला अमानी, कि वो जो वो किताब में से कुछ भी नहीं जानते थे, मगर सिर्फ करात करना, तिलावत करना जानते थे, अब ये साजगार माना नहीं है।
या इसका यूं माना करें कि ला यालमून अल किताब इल्ला अमानी, यानी वो किताब खुदा किताब तौरात से कुछ नहीं जानते थे मगर वो जो उनके ऊपर तिलावत की जाती थी उनको तिलावत करके सुनाया जाता था। अगर ये माना करेंगे तो ये फिट हो जाएगा और ये भी जो वो दुरुस्त हो जाएगा, सही ना। बस ज़ाहिरी तौर पर जो वो दूसरा माना ही मुनासिब तर है कि यानि वो झूठी सिफात जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको बयान की गई थी, इनके बड़ों ने बताई थी और वो इसी को जानते थे और इसी की बिना पर फैसला करते थे कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो हक नबी नहीं है। उसके बाद कुरान की आयत की थी वह इन हम इल्ला यज़ुन्नून कि इंशाल्लाह इसको जो वो किसी तरह हम कनेक्ट करेंगे अगली दफ़ा, लिहाजा थोड़ा सा मैं आज का दोबारा खुलासा बयान करना पड़ेगा ताकि कुरान की आयत का 78 का ये जो आखिरी टुकड़ा है वह इन हम इल्ला यज़ुन्नून उसको उसके साथ जो वो मिला सकें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।